किसी भी माँ के लिए ये कितने सदमे की बात होगी कि उसके एक साल के बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए उसकी दो बार सर्जरी करानी पड़े। दिया मिर्जा बिल्कुल इसी दर्द से गुजर रही हैं। समय से 3 महीने पहले पैदा हुए उनके प्री मैच्योर बच्चे की जान बड़ी मुश्किल से बची है। जान बचाने के लिए बच्चे को 90 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़नी पड़ी। हाल ही में दिया का बेटा अव्यान 1 साल का हो गया और इस मौके पर दिया ने एक पोस्ट में बताया कि कितनी मुश्किल से उनके बेटे की जिंदगी बच पाई है। दिया ने एक पोस्ट में अपने बेटे के लिए लिखा, हमारी जान, तुम इस दिन 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम 3 महीने के प्री मैच्योर थे और तुम्हारा वजन सिर्फ 820 ग्राम था। जन्म के 36 घंटों बाद हमने नोटिस किया कि तुम्हें नेक्रोटिसिंग एंट्रकोलिटिस था और तुम्हारी सर्जरी होगी। हमने आईसीयू में तुम्हारा ध्यान रखा और 90 दिन बाद तुम फाइनली घर आ गए। जैसे तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आई और तुम्हारा वजन भी बढ़ा। तुम फिर अस्पताल पहुंचे और वहां तुम्हारी दूसरी सर्जरी हुई जो 4.5 घंटे तक चली। डॉक्टर्स ने हमें कह दिया था कि तुम्हें घर आने में 21 दिन लगेंगे। अव्यान आजाद, तुम तो योद्धा बनकर 9 दिन में ही घर वापस आ गए। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे दृढ़ निश्चय ने हमें खूब इंस्पायर किया। हमारे बेटे, तुम अब सारे मील के पत्थर को हासिल कर रहे हो। खुश रहते हो, खेलते हो और इतने प्यारे हो। तुमने हमारा दिल खुशियों और प्यार से भर दिया है। हम हैरान और खुश हैं कि तुम्हारा पहला शब्द टाइगर था। हम तुम्हारे डॉक्टर्स और नर्स को थैंक यू कहते हैं जिन्होंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा। अव्यान आजाद, तुम्हें एक ऐसी दुनिया विरासत में मिली है जो आपके प्यार, सहानुभूति और दया पर निर्भर करेगी। अपना रास्ता खुद बनाओ हमारे डार्लिंग, जैसा कि तुम हर रोज करते हो। हमेशा ये याद रखना कि तुम प्यारे हो। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे, थैंक यू हमें चुनने के लिए। दिया मिर्जा की ये दूसरी शादी है। उन्होंने पिछले साल ही 15 फरवरी को वैभव रेखी से शादी की थी। वैभव की भी ये दूसरी शादी है और उनकी एक बेटी भी है जिसे अब दिया माँ की तरह प्यार दे रही हैं। दिया ने इस परिवार को बहुत खूबसूरत बना दिया है, लेकिन परिवार की इन खुशियों के लिए दिया ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।